सीवान के ग्यासपुर में अयूब खान रईस खान के मदरसे में एक जलसे का आयोजन किया गया। जलसे में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। खान ब्रदर्स के द्वारा संचालित मदरसे में 60 से ज्यादा बच्चे दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। इनमें 13 बच्चे हिफ्ज हासिल किए हैं, जिनके दस्तारबंदी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मदरसे को खूबसूरत लाइट से सजाया गया था। खान ब्रदर्स के द्वारा संचालित इस मदरसे में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा कुल 13 हाफिज कुरान के लिए दस्तारबंदी और बड़े जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों के लिए खाना खाने और महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था किया गया था। खान ब्रदर्स के अयूब खान अपने हाथों से उपस्थित लोगों को खाना खिलाते हुए नजर आए। अयूब खान लाइन में खड़े लोगों को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। इस कार्यक्रम में देश के बड़े तकरीर खान तशरीफ ला रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से हसन रजा नूरी, पीरे तरीकत सैयद शाहिद हुसैन जैदी, मियां साहेब मारहेरा शरीफ, पीरे तरीकत उमर रजा खान साहब बरेली शरीफ, जोहर मियां, अजमत रजा भागलपुरी, सोहराब खान कादरी शामिल हुए। बता दें कि रईस खान और अयूब खान द्वारा संचालित मदरसे में 60 बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। इस मदरसे में 60 से ज्यादा बच्चे तालीम लेते हैं। बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था खान ब्रदर्स के अयूब खान और रईस खान के द्वारा की जाती है। करीम अपने करम का सदका लईम बे कदर को न शर्मा, करीम अपने करम का सदका लईम बे कदर को न शर्मा, करीम अपने करम का सदका लईम बे कदर को न शर्मा, तू और रज़ा से चाहिए जीने की तरफ देखना मरने की तरफ दे, जीने की तरफ देखना मरने की तरफ दे, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ दे, पर मेरे साथ हम बोला चाहिए यानी लागे दिखा देना वो मदीना कैसी बस्ती है, या लागे दिखा देना दे। और यहाँ जो हिप्स कर लेते हैं तो दस्तावेजी करते हैं, और यहाँ से जो कुरान होंगे तो यहाँ से 13 इस मदरसे से हाफिज हुआ, ये हर साल होता है। आपने जिस सोच के साथ इस इदारे को कायम किया था, उसी सोच के मुताबिक हर साल यहाँ से बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगता है? अच्छा लगता है जी, जब तालीम हासिल करते हैं बच्चे तो किसको अच्छा नहीं लगता जी। कैमरा देखो,
बच्चे जिसकी कोई परवरिश नहीं करने वाला है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ से इल्म हासिल करते हैं। मुझे लगता है कि जिस सोच के साथ आप इदारे को कायम किए थे, कहीं ना कहीं उसमें आप अच्छा कर रहे हैं। हम लोग तो यही सोच के किए हुए हैं कि यहाँ से अच्छे बढ़ के लोग निकले और दुनिया के हर कोने कोने तक वो लोग जाएं। सिर्फ उर्दू और अरबी ही नहीं होती है, यहाँ हर चीज़ों की तालीम दी जाती है। सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं, उनको रहने खाने का पीने की व्यवस्था जो है वो कुछ हर जगह से कुछ ना कुछ फंडिंग होती है, कुछ हम लोग भी करते हैं और जितने भी समाज के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। इधारा किसी एक से नहीं चलती, हजारों लोगों को मिलने से चलती। क्या मैसेज देंगे सवाल के लिए? इस तरह से हमेशा फंक्शन होती रहे, हर कौम है, वो यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, यहाँ हर कौम के हर तबके के लोग आप लोगों ने देखा होगा। और ये जो जगह है, यहाँ कभी भी वैसी बातें नहीं होती हैं जो हम लोग आपस में बांटने की बात। आपसी भाईचारे की हाँ मिसाल है, हर हमेशा मिसाल है और मिसाल रहे। क्या दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम जिस तरह आपके इदारे में दी जा रही है, वैसे ही हर जगह ये चीज़ आम किया जाना चाहिए आपको लगता है? करना चाहिए जी, हर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ मुसलमान में ही यतीम बच्चे नहीं हैं जी, मुसलमान में ही लोग जो हैं बहुत से कौम में हैं, इतने भी कौम है ना, हर कौम में लोग गरीब हैं, तबके हैं, उसको इल्म मिलना चाहिए। आज हमारे यहाँ गांव में मदरसे पे 13 बच्चे कुरान हिफ्ज कर चुके हैं अपना, तो उनकी दस्तारबंदी का फंक्शन चल रहा है यहाँ पे। पूरे आसपास के सारे गांव वाले लोग इनवाइट किया गया है और ये बच्चे यहीं पढ़ते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं, गरीब घर के बच्चे हैं। तो इनके लिए एक डिग्री टाइप का है कि इनको एक बढ़िया डिग्री मिली है, जिससे ये आगे जाके अपना जो भी दीन का काम है और जो भी इल्म है जहाँ तक जिन लोगों तक की पहुँचा सकते हैं, ये बढ़ाएंगे, इस काम को आगे करेंगे। उसी तरीके से आज 13 हैं, कल 30 होंगे, फिर उसके अगले साल 50 होंगे, तो ये कारवां चलता रहेगा। और इसी बहाने अपने गांव के लोगों को कुछ खिलाने का मौका मिल जाता है, लोग आते हैं, खुशी से खाते हैं, तो हमें भी थोड़ी खुशी मिलती है। आपके चाचा जी ने और आपके पिताजी ने जिस सोच के साथ इस इदारे के नींव रखा था, क्या लग रहा है कामयाबी देखते हुए कैसा लग रहा है? देखिए ना, कोई भी नया स्कूल खुलता है जी, अब बढ़िया स्कूल खुलता है तो वो पहले साल में क्वालिफिकेशन देना नहीं चालू कर देता जी। ये 2008 में शुरुआत हुई थी इसकी, और पिछले साल भी कई बच्चे यहाँ से पुराने ऑफिस बन के निकले थे, और इस बार 13 है, तो इंशाल्लाह लोगों का दुआ रहा तो 13-30 होगा, 30-50 होगा। एजुकेशन को लेके क्या मैसेज देना चाहें? कहा जाता है कि आमतौर पर ये कौम एजुकेशन के मामले में काफ़ी पीछे है। जी एकदम सही बात है, अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो ये एक्सेप्टेड है। और मैं तो हर मुस्लिम यंगस्टर और यूथ को यही गुजारिश करूँगा कि आप जितना पढ़ेंगे अपने कौम को, अपने देश को, अपने धर्म को आगे लेके जाएंगे। सर आज यहाँ जलसे का भी कार्यक्रम आयोजन किया गया है, कहाँ से? काफ़ी लोग भागलपुर से आए हैं, कुछ लोग बरेली से आए हैं, और जितने भी उलमा लोग हैं वो ऑल ओवर इंडिया से, जहाँ तक हमारे जानने वाले लोग हैं उनको बुलाया गया है। उनके लिए एक बच्चों के लिए ऐसा हो जाता है कि वो चीफ डिग्नेटरी हो जाते हैं, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि अगर उनके प्रोफेशन से जुड़े हुए बड़े लोग यहाँ पे आते हैं और उनको वो डिग्री को अवार्ड करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी बड़े जो उलमा हैं उनको बुलाया जाए और ये डिग्री उनको उनके द्वारा दिलवाई जाए। ठीक है।